हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी दिन के 11:30 बज रहा है पूरा, और इस समय मुझे स्कूल के लिए निकलना था मुझे 11:30 बजे। लेकिन जैसे मैं उठी कि मैं जाती हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मतलब इतना बारिश हो रहा है, इस समय मुझे स्कूल के गेट पर होना चाहिए, लेकिन मैं अभी घर में हूँ। मैं जा भी नहीं सकती, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं गई तो पता नहीं टीचर बच्चे देंगे भी कि नहीं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना। मैं दिखाती हूँ बारिश। मैं भाग के गई कपड़े लेने के लिए, लेकिन मैं कपड़े नहीं उतार पाई। कुछ कपड़े अपने उतारे, ये देखो यहाँ रख दिए, और कुछ कपड़े मैंने उतार भी नहीं पाई। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा है। तो मतलब कि इतनी तेज आज बारिश हो रही है ना, और स्कूल का टाइम भी हो गया है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और आज घर में कोई है भी नहीं, मतलब मैं हूँ और फैजान है, और मेरे दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। और मैं फैजान को छोड़ के भी नहीं जा सकती, इतना सा छोटा सा 4-5 साल का बच्चा है। मैं बारिश में लेके कैसे जाऊँ, नहीं जाऊँगी तो जोया कैसे आएगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब भी मैं करूँ क्या? यहाँ फैजान अकेले सो रहा है, ये रहा, और कोई भी नहीं है। ये चीज़ पड़े हुए हैं उसके। दरअसल जैनब भी ऑफिस चली गई, साहिद भी, बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं। अब मैं इसे छोड़ के भी नहीं जा सकती, इन्हें ले के भी नहीं जा सकती, तो मेरे समझ में नहीं आता मैं अभी करूँ क्या। और मैंने पता नहीं था कि बारिश हो जाएगा, मैंने सोचा जल्दी जल्दी उठ के तैयार होते हैं, फैजान को भी तैयार करके साथ में ले जाऊँगी स्कूल, और फिर जोया भी खुश हो जाएगी और मैं साथ में दोनों को ले आऊँगी। लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना कि मैं जा भी नहीं सकती, ले के भी नहीं जा सकती। अकेले छोड़ूंगी तो ये पता नहीं पूरा घर सर पे उठा लेगा। और जोया जो है कि वहाँ राह देख रही होगी, मम्मी आएगी, और ये इतनी बड़ी मुसीबत है ना, मेरे को समझ में नहीं आता मैं अभी करूँ क्या। और आज तो क्या ही बताऊँ मैं आप, 5 बजे सुबह से उठ के जैनब सारे बच्चों को रेडी करी, आलू उबाला, आलू का पराठे बनाए, सबके टिफिन पैक करे, सबको रेडी करा, सबको छोड़ के आई, फिर हमारे लिए और भाई के लिए चाय भी बनाया, नाश्ता भी बनाया, और 7 बजे सुबह चाय नाश्ता दे दिया, और खुद करके फिर अभी ऑफिस गई है 11 बजे। तो चमत्कारी हो गया। वैसे भी जैनब कुछ भी करती है तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो बहुत सारा। और रही आलू के पराठे की डिमांड, तो रात को ही सारे बच्चों ने कर दिया था, आयशा, कायना और हमजा, कि हमें आलू का पराठा ही चाहिए सुबह। मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठी, हिली भी नहीं बिस्तर से। मैंने कहा नहीं, ये खुद अकेले ही करेगी, आज सब कुछ अकेले करा। मैं अभी सिर्फ जोया को स्कूल छोड़ के आई हूँ सुबह 7:30 बजे, और अभी मैं जाने का टाइम में मतलब कि 11:45 होने ही वाला है, लेकिन मैं अभी घर में ही हूँ, अभी मुझे स्कूल में होना चाहिए था। चलो देखते हैं क्या करती हूँ, बारिश जल्दी से छूट जाए अल्लाह। और जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप देखते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें साथ में, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वो सिर्फ एक सब्सक्राइबर को डिपेंड करता है। क्या कहते, सब देख तो लेते हैं वीडियो, पूरी देखते हैं, कोई आधा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें प्लीज़। अगर हम 1000 सब्सक्राइबर के लिए 1 साल मेहनत करते हैं तो लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उसके लिए हमें 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाता है, और फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। और 4-5 दिन से अल्लाह का शुक्र है, मेरे जितने सब्सक्राइब घट गए थे वो वापस रिकवर हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेट कर दिया था। मैं हफ्ते में एक ही डालती थी, तो अभी मैंने 2-3 दिन में वीडियो डाल देती हूँ, तो इसीलिए वो जितने सारे मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया था वो सारे रिकवर हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। अभी क्या है कि व्यूअर्स की भी गलती नहीं है ना, उन्हें लगा कि शायद मैंने चैनल पे वीडियो बनाना ही छोड़ दिया है तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं, फालतू का उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, इसीलिए उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया था मुझे। लेकिन अभी वापस से सब ने सब्सक्राइब कर दिया तो खुशी मिलती है, और फिर वीडियो बनाने के लिए हिम्मत भी मिलता है।
तो आप लोग का थैंक यू, धन्यवाद वापस से मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरे सब्सक्राइब 4-5 दिन में थोड़े बढ़ भी गए हैं, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी कितने हुए, लेकिन हाँ खुशी होती है मुझे और अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने सब ने मुझे इतना सपोर्ट करा दोबारा से, क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले से वीडियो बनाना एकदम कम कर दिया था। और ये फैजान उठ गया, अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ, बस थोड़ी बारिश कम हो जाए ना फिर मैं चल दूंगी ना। बहुत तेज़ बारिश हो रही, बिल्कुल भी नहीं थमा, और मैंने मैम से मैसेज भी करके बोला कि मैम मैं क्या करूँ, मैम कह रही मैं नहीं रोक पाऊँगी, आप आ जाओ बच्चों को ले लो। तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो बाहर का रिकॉर्ड नहीं करूँगी, अब तो बारिश हो रही है। और जो ये मोबाइल है, ये मैं बड़ी मुश्किल से फैजान को समझाई हूँ कि घर में रह के फ़ोन चलाओ, मैं जोया को लेके आती हूँ। तो मैं ये फ़ोन दे के फैजान को घर में ही लॉक करके मैं जाऊँगी अभी, मतलब बाहर से गेट बंद कर दूँगी। अब वो फ़ोन चलाएगा तो शायद भूल जाएगा कि वो अकेले हैं, तो मैं जल्दी से जाती हूँ लेके आती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू आपको ब्लॉग में बताऊँगी। फैजान आप रहोगे ना, बाहर नहीं जाना, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ओके? फ़ोन चलाना मम्मी का, ठीक है? मैं जाऊँ। मैं बड़ी मुश्किल से स्कूल गई थी, मैं जब यहाँ से निकली थी छतरी भी नहीं था यार, और इतना पानी भरा हुआ था ना, फिर भी एक ऑटो वाले अंकल मिले, मैं चली गई जोया को लेके आई। जोया पूरी भीग गई थी, गीली हो गई थी, फिर नहाना पड़ा, कपड़े चेंज करना पड़ा। नहीं, ये जोया है, पूरी गीली हो गई थी, छोड़ो टावल, भीग गई थी ना, रो रही थी तुम्हें स्कूल में, मम्मा नहीं आई, शक्ल तो हो रही थी रोने वाली। और मैं बेचारे फैजान को भी घर में बंद करके गई थी, और अभी आई हूँ, मतलब कि आई तो बारिश एकदम ठीक हो गया, इतना तेज धूप हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बारिश हुई थी कहीं से कहीं। ये देखे कितना तेज धूप है, क्या कर रहे हो? बस काम क्या है, जाओ यहाँ से। फैजान साइकिल कहाँ रखा? लो एक इधर एक उधर। फैजान को मैं छोड़ के गई थी घर में, छोड़ के गई थी, डर रहे थे तुम तो। फोन चला रहा था, कितने गेम डाउनलोड करा? बस मैंने डिलीट कर दिया, मैं नहीं खेलने दूंगी। चलो साइकिल चला के दिखा। तो मैं अभी आके फिर घर का सारा काम कर ली फटाफट, फिर नाश्ता भी दोबारा से बना लिया, दोपहर का खाना बनाना है, और देखते हैं आज क्या बनाते हैं खाने में। काश मैं फोन ले जा पाती ना, मैं बाहर की वीडियो शूट कर लाती, कितना पानी भर गया था, कोई भी ऑटो वाला जल्दी जाने को तैयार ही नहीं होना था आज स्कूल, है ना जोया? मैंने भी सोचा कि आज ना मुझे स्कूल में भी बहुत डांट पड़ेगी, पर शुक्र है आज मैम ने बच्चों को ही बहुत लेट स्कूल से बाहर निकाला। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग ना लोग फुल वॉच नहीं करते, इसलिए मैं अभी बनाना कम कर दी हूँ। इसलिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।